मुंबई में प्रवासी मजदूर एक बार फिर अपने घर को लौट रहे हैं। वजह है कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन का डर। मजदूरों को डर है कि अगर मुंबई में पूरी तरह से लॉकडाउन हुआ तो उनका क्या होगा, कौन उनको दो वक्त की रोटी देगा। पिछली बार लॉकडाउन हुआ था, बहुत परेशान हुए थे, बहुत तकलीफ हुई थी, हम लोग बहुत दिन बगैर खाना खाए गुजारे थे, पैसा नहीं था, इमीडिएटली ऐसे लॉकडाउन हो गया था, इस वजह से हम डर रहे हैं और मम्मी उम्मी लोग भी बहुत डर रही हैं। लॉकडाउन की वजह से पिछली बार जो परेशान हुए थे, ट्रक से जाना पड़ा, बस से बस भी नहीं मिल रहा था, ट्रक से टेम्पो से, इसी वजह से जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि लॉकडाउन लग गया, दिक्कत आ जाएगी। र्यूमर तो उड़ा हुआ है कि 4 तारीख को लॉकडाउन लगेगा। महाराष्ट्र में फिलहाल रात का लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि दिन में काम के लिए बाहर निकलने वालों के लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं। आंशिक लॉकडाउन का ऐलान होते ही मुंबई में बाहर से आकर काम करने वालों के लिए मुसीबत का वक्त शुरू हो चुका है। कमाई नहीं तो मुंबई में रुकना मुनासिब नहीं। काम मिलते तो नहीं जाते, काम बट नहीं मिलता, इसी वजह से गांव जा रहे हैं। तो अभी यहाँ वापस आओगे मुंबई या गांव में रहोगे? सही होगा, काम काज तो आएंगे, सही होगा तो आएंगे, नहीं तो अभी कोई चांस नहीं है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, दिल्ली से भी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। दिल्ली में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। यहाँ पर भी मजदूरों में डर है कि कहीं पूर्ण लॉकडाउन हुआ तो उनका क्या होगा, कौन उनकी सुध लेगा। लॉकडाउन तो अभी नहीं लग रहा है, अब रात के लग गया है, दिन के कौन देखा भाई, रात के तो लगी गया उसका। तो अगर दिल्ली में रहते तो क्या परेशानी है? दिल्ली में परेशानी है, गांव घर चल जाएंगे, कुछ तो दिक्कत है। आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन? नहीं, थोड़ा समस्या यहाँ का खराब हो रहा है, इसीलिए सोचते हैं कि अपना घर चले जाए तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, तो क्या समस्या है, कैसी समस्या? ये थोड़ा सा कोरोना का ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए थोड़ा डर सा महसूस होता है कि पहले कुछ बहुत ज्यादा कम हो चुका था, अब बहुत ज्यादा 14-15 हज़ार के लगभग आ चुके हैं, रोज का 4 हज़ार कोरोना आ रहा है, तो क्या होगा दिल्ली के पता नहीं। लॉकडाउन का भी बिल्कुल बिल्कुल लॉकडाउन लगना चाहिए, होना चाहिए, अगर नहीं लगेगा लॉकडाउन तो आगे समस्या खराब हो सकता है। मजदूरों की बेचैनी फिजूल नहीं है, उनकी चिंताओं और अफरा तफरी का एक आधार है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन और दूसरे उपाय भी उतने ही जरूरी हैं। सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये है कि दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।